रेलवे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की बात हो तो यात्रियों को सबसे पहले 139 नंबर का ख्याल आता है। भारतीय रेल ने अब 139 सेवा को और बेहतर बनाया है, या ऐसा कहें कि बदलते दौर के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया है। 139 सेवा अब एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील हो गई है, जो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम यानी IVRS पर आधारित है। सुरक्षा व मेडिकल इमरजेंसी, साफ सफाई और केटरिंग की शिकायत और कोच की देखभाल जैसी सेवाओं को भी अब एकीकृत 139 से जोड़ दिया गया है। ट्रेन दुर्घटना से संबंधित जानकारी हो या फिर सतर्कता और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत 139 सेवा के जरिए की जा सकती है। ट्रेन की इंक्वायरी करना अब काफी आसान हो गया है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है हमें उससे, और ट्रेन की सटीक जानकारी मिल जाती है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है और ट्रेन का टाइमिंग मिल जाता है। तो 139 के बारे में तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा सुविधा दी है हमें रेलवे वालों ने। तो 139 जो नंबर है बढ़िया नंबर है, हर पिनार भी आप डालते हो तो उसकी भी इंक्वायरी बता देता है, वो कन्फर्म टिकट है कि नहीं है, हर चीज़ के बारे में बता देता है और गाड़ी का स्टेटस भी बता देता है, गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है। सुविधा तो बढ़िया है 139 की। 139 मेन्यू में स्टेशन और ट्रेन दोनों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मौजूद है। यह हेल्पलाइन सेवा 12 भाषाओं में उपलब्ध है। सुरक्षा व मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित सहायता एक नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है। इससे नंबर एक दबाने पर कॉल सेंटर अधिकारी से आपका संपर्क हो जाता है, जो आपकी जरूरत के मुताबिक संबंधित नियंत्रण कक्ष को कॉल प्रेषित कर देता है। एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन के तहत आम जानकारी जैसे PNR, किराया संबंधी जानकारी, टिकट बुकिंग आदि नंबर दो पर हासिल की जा सकती है। केटरिंग से जुड़ी शिकायत नंबर तीन दबाकर की जा सकती है। आम शिकायत के लिए नंबर चार और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए नंबर पांच का इस्तेमाल करें। दुर्घटना से संबंधित जानकारी के लिए 6 दबाएं। 9 नंबर दबाकर आप अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। स्टार दबाकर आप सीधे कॉल सेंटर अधिकारी से बात कर सकते हैं। यहां आपको एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर यानी CRN उपलब्ध कराया जाएगा। एकीकृत 139 सेवा रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाएगी।